तुम क्या देख रही हो? वो चाइनीज नॉट बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे भी चाहिए। ये तो बहुत इजी है, इसे तुम ले लो और ये तुम्हारा हो जाएगा। रुको, ये चाइनीज नॉट किसी और का है और हम इसे नहीं ले जा सकते। जो चीज हमारी नहीं है हमें उसे नहीं छूना चाहिए, ये चोरी होगी। पर चाइना के सब त्योहारों में मुझे चाइनीज नॉट सबसे अच्छी लगती है। तो तुम एक अपने लिए बनाओ। तो ठीक है, मैं एक रस्सी ढूंढती हूँ और उससे चाइनीज नॉट बनाने का अपना सपना पूरा करती हूँ। चलो ब्राउन। अब वो चाइनीज नॉट हमारा है। पर येल्लो ने कहा किसी और की चीज चुराना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा बॉस कौन है? आप कहना किसका मानना चाहिए तुम्हें? आपका। तो सवाल जवाब बंद और वही करो जो मैंने कहा है। यस सर, जो आपका हुक्म। मेरी बरसों की तमन्ना थी, चाइनीज नॉट मेरे हाथ में आ गया। वही, रुक जाओ। लानत है, छुप के वार करते हो। हमें लगा कोई मक्खी आके चुराने की कोशिश करी है, पर यहाँ तो दो चोर मिल गए। ये मक्खियाँ नहीं, चोर एंट्स हैं। तुमने हमें धोखे से पकड़ा है, हमें नीचे उतारो। ऐसे गंदे काम करने के बाद भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? हाँ, डॉक्टर का फोन आ रहा है, चलो वापस बेस पे जाते हैं। प्लीज हमें नीचे उतारो। एंजॉय करो वहाँ ऊपर लटक के। ये मत समझो मैं भूल जाऊंगा, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। डॉक्टर, क्या आप हमें कोई माउंटेन एडवेंचर देने वाले हैं? प्यारे बच्चों, पहले ये बताओ, क्या मैं पामर की पोशाक में अच्छा लग रहा हूँ? ये तो एक नंबर के कार्टून लग रहे हैं। क्या बोला तुमने ब्राउन? मैं बोल रहा था कि आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। ये तो मुझे पता है। डॉक्टर, क्या आपके पास पर्ल की कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ, मुझे जस्टिस पर्ल के बारे में जानकारी मिली है, वो चाइना के किसी फिनिक्स टाउन में है। हाँ, मुझे पता है, ये वो जगह है जहाँ पे फीनिक्स रहते हैं। रेड, तुम इग्नोर करने के लायक ही हो, लगता है तुम्हें चाइना की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, तब समझ पाओगे। मैं तो अभी अभी आया हूँ, थोड़े दिन में समझ जाऊँगा। ठीक है, तो सुनो, ये फीनिक्स सिटी चाइना के साउथ ईस्ट में है। ये चाइना के मियाओ और टूटिया का प्रतीक है। ये पीछे जो माउंटेन है वो किसी विशाल फीनिक्स पक्षी के पंखों की तरह है, इसकी वजह से उसका नाम फीनिक्स सिटी है। अब समझा। चलो जल्दी अपना सपना पूरा करते हैं। हे, मैंने तुम सबको उड़ने वाले ब्रश भेजे हैं। हाँ, ये तो एक झाड़ू की तरह दिखते हैं, इस पर मैं चुड़ैल लगूंगी। ये एक फ्लाइंग ब्रश है ब्लू। वाओ, ये जादुई ब्रश तो मजेदार है। हाँ, इससे अच्छा तो मैं अपने रोबो को बुला लेती हूँ। जादुई रोबो ब्लू फेरी, प्रकट हो जाओ अभी। बॉस, क्या वो लोग भी सच में फिनिक्स सिटी गए हैं? हाँ, वहीं गए हैं। तुम मुझ जैसे जीनियस को डाउट मत करो। बॉस देखिए, वो लोग हमारे आगे हैं। ये नहीं हो सकता, उनको हमसे पहले पहुंचने नहीं देना, हमला करो। अब भी लो बॉस। जो टेकिंग टोर्नेडो। चलो जल्दी पकड़ो उसे। क्या बात है, यहाँ पर तो हर जगह खाना ही खाना है। हमेशा खाने के बारे में सोचते रहते हो। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। क्या तुम्हें पल दिखा? बस पल तो नहीं, पर वहाँ पर खाना बहुत अच्छा दिख रहा है। जरा सीरियस हो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। खाली एक बाइट बॉस, उसके बाद पल ढूंढ लेंगे। मुझे भी एक बाइट मिल जाए तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, क्या कहते हो? ब्राउन, जरा बच के।
अरे ये तो बिल्कुल टेस्टी नहीं। बॉस जरा नीचे आकर देखिए क्या ये पर्ल है, मैंने इसकी बाइट ली पर समझ नहीं आ रहा। हाँ? वो पर्ल ही है, देखो ऊपर से चिड़िया आ रही है। हाँ? इधर है, जल्दी खींचो। रुक जाओ और पर्ल वापस करो। वो फाइव एलेंट्स कितने बेवकूफ हैं। बॉस अगर सबने मिलकर हम पर अटैक किया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वो लोग ब्रायन के ताकतवर एंट्स माने जाएंगे। ये लोग तो सबके साथ मिलकर छोटे छोटे ग्रुप्स को हराते हैं, ये लोग कभी भी फाइव एलेंट्स का टाइटल डिजर्व नहीं करते। ये सही है, हमें इसे भी एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, अच्छा हुआ तुम जल्दी समझ गए। और हाँ, पर्ल को आज हमने तुमसे पहले ढूंढा है, अगर ये तुम्हें चाहिए तो एक फेयर गेम होना चाहिए। पर हमें डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। बोलो बच्चों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? थंडर ने पहले वो पर्ल ढूंढा, अब हम वो वापस लेना चाहते हैं, पर हम उसे मिलके हराए तो वो हीरोज की ताकत के खिलाफ होगा। अब हम क्या करें? हमारे पास वो शक्ति है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। हम फाइव एल एंड्स इंसाफ करना जानते हैं, हमें लोगों की बातों को समझकर न्याय करना चाहिए। थंडर को भी बराबरी का मौका चाहिए तो हम उसे देंगे। तुम डर गए क्या? तुम सोच रहे होगे कि अगर हम जीत गए तो हम ये पर्ल लेकर जाएंगे। तो चलो पहले रेस करो, अगर तुम उनको हरा दोगे तो पर्ल तुम्हारा। दोनों टीम में से दो लोग चुने जाएंगे, जो पहले पहुँचेगा वो जीतेगा। रेडी गो। वाह क्या खुशबू है। ये रेड जीत गया। साइको कहाँ है? साइको तुम तो गए। थंडरबोल्ट, ये पर्ल मैं तुम्हें कभी वापस नहीं दूंगा, भूल जाओ। हाँ? पता था ये लोग जरूर चीटिंग करेंगे। ये देखो मेरी नई चाइनीज नॉट। तुम्हें शर्म नहीं आती पीछे से वार करते हो मुझ पे? थंडर चीट करना अच्छी बात नहीं है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। मैंने अपनी नई चाइनीज नॉट आखिर बना ली, ये बहुत खूबसूरत है। तुम दोनों यहाँ पे लग के रहो और सन बात लो। छोड़ो मुझे, वो पल मेरा है, मुझे वापस दो। ये उनको ये पल ऑफ जस्टिस मिल गया, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और तुम बस, तुम सच में बहुत बुरे हो। एक नया पर्ल जंगल के तालाब में दिख रहा है। तुम झूठे हो, बिल्कुल झूठे, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। अरे नहीं, हाँ ये पर्ल मेरा है। बस आपने पर्ल हासिल कर लिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।